नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। नगर के सहारनपुर मार्ग पर एक ट्रक की साइड लगने से मारुति कार सवार दो लोग घायल हो गए। घायलों को एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ननोता निवासी भूषण लाल शर्मा अपने पुत्र मोनू शर्मा के साथ मारुति इको DL3PJ 8601 से दिल्ली जा रहे थे, जब वे साईधाम के निकट पहुंचे, एक ट्रक UP 11D 3920 ने उसे साइड मार दी, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और पिता व पुत्र घायल हो गए। घायलों को एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। भूषण शर्मा, क्या बात हुई आपके साथ? हम ननौते से आ रहे थे और हमारा उसमें ट्रक के साथ एक्सीडेंट, उसने ट्रक वाले ने एकदम यूं मोड़ दी, हमारा एक्सीडेंट हो गया। उससे मेरा लड़का गाड़ी चला रहा था, हमें दिल्ली जाना था। ये शामली से पीछे इधर, शामली से इधर की तरफ होगा ये। नहीं नहीं, ये यही, मैं जानता नहीं उस जगह को, लेकिन यही हुआ है। पीछे से उसने साइड मार दी, पीछे ही उसके लग गई, यहाँ हमारी गाड़ी सारी टूट गई है। मैं पीछे, मेरे मामा जी थे, उनका लड़का था, वो आगे अपनी इको वाली कार में थे और मैं पीछे आईटन में था, तो आगे से वो जा रहे थे, एकदम से ट्रक ने ऐसे साइड काटी और इनकी गाड़ी साइड से लग के पूरी घूम गई और पूरी गाड़ी पिचक गई, फिर दरवाज़ा तोड़ के इनको निकाला गया वहाँ। कितने लोग घायल हैं? दो लोग, फ्रैक्चर है पैर में। क्या क्या नाम है वाला? मैं तो वहाँ से ऑन द स्पॉट फिर इन सबको लेके आ गया था यहाँ पे, क्योंकि मेरे से कुछ देखा नहीं गया, फिर मैं आ गया। बाकी पुलिस वाला आया था वहाँ पे, एक मैंने उनको फ़ोन किया, फिर वहाँ पे यहाँ से पुलिस वाले आए थे और वो फिर वहाँ से नाम वाम लिख के चले गए। उन्होंने अपना नंबर दे दिया कि गाड़ी चौकी पर खड़ी है और वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा और जो भी केस वेस करना है कर लीजिएगा। नगर पालिका परिषद चेयरमैन के भाई की कुर्कशुदा पेपर मिल से पीतल व एल्यूमिनियम का भारी मात्रा में सामान चोरी कर ला रहे दो चोरों को आदर्श मंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने के आरोपी एक बर्तन व्यापारी को भी हिरासत में ले लिया है। थाना आदर्श मंडी के अंतर्गत गांव सिक्का स्थित सिक्का पेपर मिल को करोड़ों रुपए के बैंक ऋण की देनदारी न चुकाने के कारण पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली ने कुर्क कर रखा है। नगर के मोहल्ला गांव शाला रोड निवासी राजीव कुमार की सहारनपुर तिराया के निकट टायर पंचर की दुकान से करीब 1.5 माह पूर्व टायर ट्यूब फ्लैप व रबड़ चोरी कर ली थी, जिसके लिए वह काफी दिनों से तलाश में लगा हुआ था। गुरुवार सवेरे राजीव कुमार अपने भाइयों के साथ चोरों की तलाश में थे, तभी उन्होंने सहारनपुर रोड की ओर से एक रेड़े में बोरे लादकर ला रहे दो लोगों को रुकने को कहा, जिस पर वे दोनों रेड़ा मौके पर ही छोड़कर भाग गए। रेड़े की जांच करने पर उसके बोरों में से भारी मात्रा में पीतल व एल्यूमिनियम के स्पेयर पार्ट्स थे। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उक्त सामान सिक्का पेपर मिल से चोरी कर लाए हैं। उन्होंने अपना नाम अशफाक पुत्र सुब्राती तथा मोनू पुत्र मोदीन निवासी गण सिक्का थाना आदर्श मंडी। अभी पुलिस रेड़े में चोरी कर सामान ला रहे बदमाशों से पूछताछ कर रही थी, इसी दौरान चोरों के मोबाइल फोन पर शामली के बड़ा बाजार स्थित बर्तन व्यापारी का फोन आया, जिस पर व्यापारी ने उससे पूछा कि वे कितने देर में दुकान पर आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी दुकानदार ललित मित्तल निवासी ब्राह्मणान शामली को जामा मस्जिद बड़ा बाजार स्थित दुकान से दबोच लिया। ललित दुकान खोलकर चोरों की प्रतीक्षा कर रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो दुकानदार ने बताया कि वह इससे पूर्व भी एक बार उक्त चोरों से सामान खरीद चुका है। ललित ने एक अन्य दुकानदार द्वारा भी काफी मात्रा में चोरी का माल खरीदने की बात पुलिस को बताई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व गुरुवार को श्रद्धा उल्लास व भक्ति पूर्वक मनाया गया। घरों में दशहरे के पूजन पर अस्त्र शस्त्र शास्त्रों सहित विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। विजयदशमी पर्व के अवसर पर बड़े सवेरे से घरों में साफ सफाई की गई तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पूजन किया गया, जिसमें अस्त्र शस्त्र शास्त्रों व्यापारियों के अभिलेखों बच्चों के पाठ्य पुस्तकों आदि की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। व्यापारियों तथा हस्तशिल्पियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर विशेष पूजा अर्चना की तथा दुकानों की साफ सफाई की गई। नव दुर्गा स्थापना के बाद में भगवती पूजा के पश्चात जो दशहरा आता है उस दिन विजयदशमी पर्व मनाया जाता है। दशहरे पर्व के ये दिन बाद में विजयदशमी पर्व ये बड़े हर्षोल्लास के साथ घरों में मनाया जाता है। इस दिन घर में जैसे किसानों के लिए ये विशेष तौर से ट्रैक्टर पूजा
अपने हल इत्यादि की पूजा की जाती है। अपने हथियार जो भी होते हैं किसान कृषि से संबंधित या रक्षा से संबंधित हथियार, इनको पूजा जाता है। मैं सभी लोगों को दशहरा पर्व पर हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आज विजयदशमी का पर्व रामचंद्र भगवान की लंका पर रावण पर विजय के उपलक्ष में मनाया जाता है, जिसे हम सब पूजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा करते हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद दही पतासे का प्रसाद दिया जाता है, इसे हम पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास से मनाते हैं। सभी शामली नगर वासियों को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दशमी का पर्व एक तरीके से जो ट्रूथ है उसकी विजय है ईविल के ऊपर, और ये राम जी का जो युद्ध हुआ था रावण के साथ उसके विजय के रूप में मनाया जाता है। इसमें सभी सामूहिक रूप से सब गैदर होते हैं और सब अस्त्र की पूजा होती है, और एक तरीके से सब प्रण लेते हैं कि सब अच्छा करेंगे और अच्छे के लिए जिएंगे और बुराई के प्रति बुराई के खिलाफ लड़ेंगे। न्यूज 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया सेंटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर कैराना रोड शामली, सेल काउंटर नंबर 9412127369837071736, सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। पुलिस अधीक्षक प्रबुद्ध नगर द्वारा 2011 में गठित अपराधों की समीक्षा कर पाया गया कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अपर पुलिस द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को 7 दिन के अंदर थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण विवादों को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इनमें दोनों पक्षों के जो विवाद को बढ़ावा देते हैं कि नाम, आपराधिक इतिहास की सूची तथा इनमें लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही की जाए, ताकि विवादों को अनावश्यक रूप से कोई बढ़ावा न मिल सके। 2011 में घटित महत्वपूर्ण अपराध हत्या, लूट, डकैती से संबंधित अपराधों की सूची, उनमें नामजद अभियुक्तों का पूर्ण विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के वर्तमान स्थिति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक अभियान चलाकर हत्या, लूट, डकैती के अपराधों के विरुद्ध गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, हिस्ट्री सीट खोलने का, रासुका आदि की कार्यवाही के निर्देश दिए। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा चौक पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती हवन यज्ञ करके मनाई गई। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का 76वां जन्मोत्सव भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों द्वारा चौधरी चरण सिंह पार्क पर हवन यज्ञ के साथ मनाया गया, जिसमें बाबा द्वारा की गए बलिदानों को भी याद किया। सिंह टिकैत का 76वां जन्म दिवस जयंती आज यहां पे चौधरी चरण सिंह पार्क शामली में मनाई गई और ये हर साल यहाँ पे मनाई जाएगी और ये धूमधाम से जयंती मनाई गई। इसमें आज कपड़े और सरकारी अस्पतालों में फल और जो भी गरीबों की जो दान दिया गया वो सब किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने दिया, और सुबह से किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में यहाँ पे जोश है। हमन के लिए वैसे खादर खाप से भी आए हुए थे, कांदला थाना भवन ऊन ब्लॉक के सभी किसान यहाँ पे और पदाधिकारी मौजूद थे, और अब यहाँ से हमन करने के बाद में हम सिसोली की तरफ को अब रवाना हो रहे हैं। यहाँ से सभी वहाँ पे जो जयंती मनाई जा रही है उसमें सभी किसान हिस्सा लेंगे। इंसान के इरादे बुलंद हो तो उसके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। जन्म से अंधा एक व्यक्ति जो कि बायोगैस प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर रहा है, और उसका सपना है कि इस प्लांट से अधिक बिजली उत्पादन कर पूरे गांव में खुशहाली लाना। जनपद मुजफ्फरनगर के गांव पल्डी के रहने वाले इंद्र सैनी बचपन से अंधे होने के बावजूद अपने रोजाना के सभी काम बखूबी कर लेते हैं। इन्हें अपने जीवन में हरदम कुछ नया करने की इच्छा रहती है। इसका अंदाजा इनके द्वारा लगाए गए बायोगैस प्लांट को देखकर लगाया जा सकता है। इंद्र सैनी पिछले 25 वर्षों से इस प्लांट को चला रहे हैं, जिसके सभी काम ये खुद ही करते हैं। बायोगैस प्लांट के माध्यम से ये व्यक्ति बिजली उत्पादन कर आटा चक्की, ट्यूबवेल आदि चलाने के साथ ही ट्रैक्टर चलाने में भी गैस का इस्तेमाल करता है। अब इस शख्स का सपना बायोगैस प्लांट से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन कर पूरे गाँव को बिजली देना है। ये बायोगैस ही मैं 25 साल से चलाता आ रहा हूँ, और इससे पहले चूल्हा चलता था या मेंटिल चलता था, और फिर अब जो ये गैस की गाड़ी चली मैंने सोचा अपना इंजन भी चलाऊँ इससे ही, वो हमने जो चला हमारा इंजन भी चल गया जिससे बायोगैस से। जब बायोगैस से हमारा इंजन चला और हमें जो लगा कि हमारा 70% डीजल की बचत है इसमें। हाँ जी, 70% जो हमें डीजल की बचत हुई। अब हमने ऐसा आटा चक्की चलाई, कुट्टी काट्टी सब कुछ ही करा। अब हमने सोचा ऐसे के साहब अब हम इससे अपना ट्रैक्टर भी चला लें और हमें कुछ खेत का भी फायदा हो, खेत से भी।
तो हमने से ट्रैक्टर को ट्यूबवेल पे चलाया, फिर जुताई में चलाया, सफर में चलाया, अब हम खूब चला रहे हैं। हमें इससे बहुत बड़ा फ़ायदा दिखा। अब बिजली ऐसा है जी, हमारे गांव में तो बिजली मिलती नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, बिजली नहीं आती। अब हम ये सोच रहे हैं इसी बायोगैस से एक बड़ा इंजन धर के और बड़ा सा जनरेटर धर के और पूरे गांव को बिजली सप्लाई कर दें। तो हम तो इसमें लगे हुए हैं जी, अगर अच्छा है हमारा ये काम हो जा तो इस काम को तो हम करके रहेंगे, इसकी खोज में है। अच्छा, तो जैसे कि ये कितना फायदेमंद है, जैसे गोबर वगैरह यहाँ कितना मिलता है, गैस बनाना कितना सस्ता है? तो अजी ये तो गोबर इसका तो खाद ही बनता है जी, और तो कोई काम में नहीं आता। ये तो जो हम इससे काम करते हैं सारा फायदे का ही है जी, तो फ्री में फायदा है इसका। ये तो जो जैसे ये सिलेंडर भरवा कर लगते हैं ये 300-400 रुपए का आवे, और हमें तो नहीं लाना पड़ता। सारा दिन हमारा कभी चूल्हा चलता है, कभी कुट्टी काटते हैं, कभी आटा चक्की चलाते हैं, हमारा तो चलो जाता है। ये काम अच्छा है या नहीं है खूब इसे की जांच कराए, और मैं तो दूसरे के लिए चाह रहा हूँ कि अजी वो तो मेरी आँखों में रोशनी नहीं है, बाकी मैं तो दूसरे के लिए तो कर रहा हूँ, और तो देख सकते हैं। इंद्र सैनी द्वारा किए गए कार्यों को देखकर उसकी वृद्ध माँ फक्र महसूस करती हैं, और उन्हें इंद्र की काम करने की लगन को देखकर लगता है कि उसका पूरे गांव को बिजली देने का सपना जरूर पूरा होगा। जो काम इंद्र कर सकता है वह एक साधारण आदमी नहीं कर सकता। वह जिस प्रकार बिजली उत्पादन और बायोगैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसे सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जैसे इनकी आंखें नहीं है तो फिर भगवान की माँ भाई, हम तो जैसे चीज बिंद के साथ है, घर में तो कोई नाज लिया होगा, कोई चून धरिया होगा, सब काम आप ही करता रहे, हम कुछ नहीं करते। एक कखट ऐसी बुन करके रखी, जंगल में भी काम करवा लो, ट्यूबवेल चलती करवा देगा, नलका बिगड़े को सुधार देगा, सब काम करता है, सब ये भी प्रोग्राम करा गाँव में बिजली दूंगा। क्या कर मैं तो जानती हूँ, जनमीटर लाऊंगा, अनजान लाऊंगा, इस तरह सब कुछ काम कर रहे हो। इंद्र सैनी के कार्यों के बारे में अधिकारी कहते हैं, शुरुआत में तो सरकार कोई सहयोग नहीं कर सकती, लेकिन उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की टेक्निकल फिजिबिलिटी को चेक कर सरकार के माध्यम से हर संभव मदद दी जाएगी। सैनी जी आए थे और उनका ये कहना था कि हम बायोगैस से ट्रैक्टर चला लेते हैं, आटा चक्की चला लेते हैं, लेकिन ये इतने लोअर स्केल पे है कि जब तक इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी का असेसमेंट ना करा लिया जाए तब तक इसके लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन की बात नहीं कही जा सकती है। और हम अपने स्तर पे ये परीक्षण करा रहे हैं कि किस स्तर पे हम इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी की एनालिसिस कराएं, और जब तक टेक्निकल फिजिबिलिटी के रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आते हैं तो किसी चीज़ को लार्जर स्केल पे एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। फंडिंग का एक प्रोसीजर होता है, और वो ये बात कह रहे हैं गवर्नमेंट तभी किसी सिस्टम के लिए फंडिंग की बात करती है जब उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी को देख लेती है। बिल्कुल राइज स्टेज पे फंडिंग की बात नहीं सोची जा सकती है, उसके लिए आवश्यक है कि हम इसका भलीभांति परीक्षण कर लें, और परीक्षण करने के बाद अगर एक्सेप्टेबिलिटी होती तो इसको गवर्नमेंट लेवल पर विचार करके डेमोंस्ट्रेशन के तौर पर प्रोपोगेट किया जा सकता है। इंद्र सैनी तो अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि सपने को पूरा करने के लिए सरकार उसकी किस हद तक मदद करती है, या फिर सरकारी बाबू केवल सांत्वना ही दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।